Magic Paints presents Magic Send You a Range of Textures. मैजिक सेंड्यूरा धौलपुर टेक्सचर को दीवार पे लगाने के लिए आपको जरूरत होगी पुट्टी पट्टी की। सबसे पहले मैजिक सेंड्यूरा धौलपुर टेक्सचर के पेस्ट को रेडी करें और उसे पुट्टी पट्टी पर लेकर दीवार पर इवेनली स्प्रेड कर पुट्टी की तरह लगाएं। सरफेस जितना स्मूथ हो डिजाइन उतना ही एक जैसा बनेगा, यानी कम अंडुलेशन तो बेहतर डिजाइन। दीवार पे टेक्सचर लगाने के बाद यदि दीवार पे एक्स्ट्रा टेक्सचर बचे तो उसे पुट्टी पट्टी से हटा लें। अब टेक्सचर बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी टेक्सचर ट्रॉवेल की, जो कुछ इस तरह दिखता है। डायगोनल कट। अपने डिजाइन की जरूरत अनुसार आप छोटे या बड़े ट्रॉवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहां छोटे ट्रॉवेल का इस्तेमाल किया है। टेक्सचर ट्रॉवेल की मूवमेंट से अलग अलग तरह की ग्रूव डिजाइन बनाई जाती हैं। डायगोनल कट डिजाइन बनाने के लिए टेक्सचर ट्रॉवेल को अपने हाथों से डायगोनली पकड़ें और दीवार पर लगे टेक्सचर पर भारी हाथों से झीरियां आने तक चलाएं। आपको इसे लगाते वक्त टेढ़े होने की जरूरत नहीं, आप जिस डायरेक्शन में चाहें डिजाइन उस डायरेक्शन में बना सकते हैं। ग्रूव्स बन जाने के बाद बाहर निकले ग्रेन्स को ट्रॉवेल की मदद से हल्के हाथों से इवन कर लें ताकि दीवार पर ज्यादा रफनेस ना आए। धौलपुर वेदर्ड स्टोन वन। धौलपुर वेदर्ड स्टोन वन डिजाइन बनाने के लिए धौलपुर टेक्सचर पर छोटे टेक्सचर ट्रॉयल को दबाएं और खींचें। आप जिस दिशा में डिजाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। दबाव आप जितना देंगे डिजाइन उतना रफ बनेगा, तो अपने अनुसार डिजाइन को रफ या स्मूथ कर लें। रफनेस डेवलप हो जाने के बाद टेक्सचर ट्रॉयल की मदद से हल्के हाथों से उठे हुए ग्रेन्स को दबा लें ताकि उठे हुए टेक्सचर थोड़े दब जाए और स्टोन जैसी रफनेस क्रिएट हो जाए। वेदर्ड स्टोन टू। वेदर्ड स्टोन टू डिजाइन बनाने के लिए दीवार पर धौलपुर टेक्सचर का बेस कोट लगाएं। अब टेक्सचर ट्रॉवेल पर एक्स्ट्रा रेडी पेस्ट लेकर रेंडम टिकलियां बनाएं, जिससे एक नेचुरल अनइवन लुक क्रिएट हो सके। टिकलियां आप अपने जरूरत और लुक के हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। उन्हें एक दूसरे से पास या दूर भी कर सकते हैं। जैसी डिजाइन की आपको जरूरत है आप टेक्सचर का इस्तेमाल ठीक वैसे कर सकते हैं। मैजिक सेंड्यूरा आपके दीवारों और सीलिंग्स में आसानी से लगने वाला रेडी टू यूज वाटर बेस्ड एक्रेलिक टेक्सचर है, जिसकी कोटिंग अलग अलग प्रकार के पाउडर व चिप से मिलकर बनती है और दीवारों पर लगने के बाद प्रीमियम स्टोन्स जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, राजस्थानी धौलपुर व अन्य स्टोन्स जैसा प्रीमियम फील किफायती दोनों में कराती है। मैजिक सेंड्यूरा का धौलपुर टेक्सचर डुअल टोन कलर्स के लिए प्रेफर किया जाता है। टेक्सचर लग जाने के बाद पहले टेक्सचर पर एक बेस कलर लगाएं और फिर शेडिंग के लिए स्पंज का उपयोग करें। बॉक्स पैटर्न डिजाइन। बॉक्स पैटर्न डिजाइन बनाने के लिए दीवार पर धौलपुर टेक्सचर का बेस कोट थोड़ा थिक करें। अब टेक्सचर ट्रॉवेल से सरफेस के थोड़ा थोड़ा मटेरियल बॉक्स के शेप में निकालते जाएं। मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर करें। आप इसे अपने दाहिने या बाहिनी ओर थोड़ा झुका हुआ भी बना सकते हैं या इस डिजाइन को डायगोनल भी बना सकते हैं। ध्यान रहे डिजाइन जितना एक जैसा बनेगा एंड रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। आइए जानते हैं मैजिक सेंड्यूरा टेक्सचर्स के प्रमुख फायदे। मैजिक सेंड्यूरा टेक्सचर्स में आप जैसे चाहे वैसे डिजाइन बना सकते हैं। आपकी सोच ही आपकी सीमा है। सेम मटेरियल से अलग अलग प्रोसेस से हर बार एक नया डिजाइन बन सकता है। डिजाइन बन जाने के बाद टेक्सचर ट्रॉवेल की मदद से हल्के हाथों से उभरे हुए टेक्सचर को दबाएं ताकि एक अनइवन नेचुरल लुक तैयार हो। वेदर्ड स्टोन ब्रिक पैटर्न डिजाइन। वेदर्ड स्टोन ब्रिक पैटर्न डिजाइन क्लासिक यूरोपियन आर्किटेक्चर का एहसास कराता है।
और ब्रिक पैटर्न में आप अब तक बताए गए सभी डिजाइंस को बना सकते हैं। ब्रिक पैटर्न डिजाइन सबको पसंद आने वाले कुछ चुनिंदा डिजाइंस में से एक है। इसे बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टेपिंग। जिस साइज का ब्रिक आपको बनाना है उस साइज पे आप वर्टिकल स्पेसिंग के साथ टेपिंग कर लें ताकि टेक्सचर का ग्रूव परफेक्टली दिख पाए। इसके बाद जिस साइज की आपको ब्रिक की लेंथ चाहिए उसे आधा कर वर्टिकल टेपिंग कर लें। जब पूरी टेपिंग खत्म हो जाए तो एक एक कर ऑल्टरनेट वर्टिकल टेप निकाल दें ताकि ब्रिक पैटर्न कंप्लीट हो सके। टेपिंग जितनी अच्छी होगी ब्रिक पैटर्न टेक्सचर लगने के बाद उतना ही अच्छा दिखेगा। टेपिंग पूरी होने के बाद आप डिजाइन बनाने के लिए धूलपुर टेक्सचर पर टेक्सचर ट्रॉवेल को दबाएं और खींचे। मैजिक सेंड्यूरा एंटी फंगल व एंटी एल्गल होने के साथ साथ आपके दीवारों को यूवी रेस व खराब मौसम से बचाता है। 1 से 3 mm तक की थिकनेस होने की वजह से यह आपके दीवारों को पुट्टी की अपेक्षा सीपेज से सुरक्षित रखता है। सीपेज की स्थिति में अपने रफ लुक की वजह से यह सीपेज को दिखने नहीं देता और स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहने तक दीवारों पे बना रहता है। आप जिस दिशा में डिजाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। दबाव आप जितना देंगे डिजाइन उतना ही रफ बनेगा, तो अपने अनुसार डिजाइन को रफ या स्मूथ कर लें। रफनेस डेवलप हो जाने के बाद टेक्सचर ट्रॉवेल की मदद से हल्के हाथों से उठे हुए ग्रेन्स को दबा लें ताकि उठे हुए टेक्सचर थोड़े दब जाएं और एक नेचुरल टेक्सचर क्रिएट हो जाए। मैजिक सेंड्यूरा का रोबस्ट फिनिश हर तरह के मौसम में रहे सुरक्षित, जिससे आपके दीवारों और उस पर लगे पेंट को मिले लंबी उम्र और आपके पॉकेट को मेंटेनेंस से आराम। टेक्सचर लग जाने के बाद टेप को टेक्सचर के गीले रहते ही बहुत ध्यान से निकालें ताकि टेक्सचर दिखे और टूटे ना। मैजिक सेंड्यूरा आपके दीवारों की असमतलता और पतले क्रैक्स को पूरी तरह छिपा देती है, जिससे आपके दीवार के सारे अंडुलेशन गायब हो जाते हैं। आज ही चुने अपने मनपसंद मैजिक सेंड्यूरा टेक्सचर्स, अपने दीवारों का सही साथी और पाए डिफरेंट वैरायटीज के साथ शानदार लुक और सेफ दीवारें सालों साथ।